हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया फायर्ड साइन वेव किट जो कि ल्यूमिनस की है, इको मॉडल इकोवाट 900 भी है। इसमें मेन नहीं आ रही और चार्ज भी नहीं कर रहा और बजर कंटिन्यूसली बज रहा है। मैं आपको बताऊंगा ये फॉल्ट कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जब हम पॉजिटिव सप्लाई लगाते हैं, मेन तो निकाल रहा है अपनी आउटपुट इन्वर्टर की, पर बजर कंटिन्यूसली बज रहा है। देखिए, इंडिकेशन आ रहा है सप्लाई निकाल रहा है इन्वर्टर की, वोल्ट जा रही है। अब मेन लगा के देखते हैं, मेन जब देते हैं इसको, मेन ऑन है, मेन की इंडिकेशन ऑन हो गई सप्लाई, मगर आउटपुट नहीं निकाल रहा और चार्जिंग इंडिकेशन ऑन है मगर चार्ज नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या फॉल्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। और जब हम मेन सप्लाई ऑफ करते हैं तो हमारी आउटपुट आ जाती है इन्वर्टर की, और बजर पर फिर भी बज रहा है। चलो अब हम चेक करते हैं कि कैसे वोल्ट चेक करेंगे हम, कहाँ फॉल्ट है। डीटर मीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लें 20 वोल्ट पर, और नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लें बैटरी से, और पॉजिटिव हम लगा कर चेक करेंगे। मल्टीमीटर की पॉजिटिव वायर हम 23 नंबर पिन माइक्रो कंट्रोलर पर लगाएंगे, बिना बिजली दिए इन्वर्टर को वोल्ट चेक करेंगे कितने आ रहे हैं हमारे वोल्ट। एक मिनट में लगाता हूँ, जैसे मैं वायर लगाता हूँ 23 नंबर पर, वोल्ट नहीं आ रहे, यानी कि आपके आने नहीं चाहिए। जब अगर आ जाएंगे तो आपके लिए अपडेट होगी, यानी कि आपकी इन्वर्टर मोड पर रिले ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ इन्वर्टर मोड पर वोल्ट नहीं आना चाहिए। जब हम मेल लगा के चेक करेंगे तो वोल्ट देखिए 4 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, 5 के करीब। अब इसके बाद मेन ऑफ करके देखते हैं, नहीं आ रहे, यानी कि हमारा माइक्रो सही है। इसके बाद हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस जो कि 23 नंबर पर लगी होगी, आपको दिखाता हूँ मैं, असेंबली रेजिस्टेंस लगी हुई नीचे साइड, ये देखिए R128 नंबर लगी है, इस पर हम वोल्ट चेक करेंगे, वोल्ट माइक्रो से आ रहे हैं, और रेजिस्टेंस के आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट पे भी 2 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, यानी कि हमारी रेजिस्टेंस सही है। इससे आगे जो हमारा IC लगा होगा 2003, आपको पता ही होगा ये IC रिले के लिए ऑपरेट होता है, एज ए ट्रांजिस्टर काम करता है, यानी कि एज ए स्विच काम करता है। इस IC की 16 पिन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो 8 नंबर पिन ग्राउंड है, और जो 9 नंबर पिन है वो पॉजिटिव है कॉमन सबकी, और जो 1 से लेकर 7 तक आउटपुट ली है वो नेगेटिव सप्लाई निकलती है। जैसे कि हम पॉजिटिव सप्लाई इसको देते हैं तो इधर से नेगेटिव निकलती है, ये इन्वर्टिंग IC है, इन्वर्ट कर देता है इसको। इस IC में ही रिले जो लगी हुई है 2-3 और बजर, इससे ही कनेक्ट होता है, इससे ही ऑपरेट होता है। अगर ये IC खराब हो गया तो आपका रिले और जो बज रहा है ऑपरेट नहीं होगा। इसको हम काट लेते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, मैं ऐसे ही काटता हूँ, इससे IC अच्छे तरीके से निकल जाता है, प्रिंटर ख़राब नहीं होता। इससे एक एक पिन काट कर एक एक पिन निकाल लो सोल्डरिंग आयरन से, आपको निकाल के बताता हूँ, ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ, ऐसे तब भी निकालना जब आपको श्योर हो कि आपका IC ख़राब है, नहीं तो आप ऐसे ही सही IC काट दिया और आपके पास दूसरा भी अवेलेबल ना हो तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने IC डालिया है, सोल्डरिंग भी कर ली है। इसके बाद हम लगा के इसको चेक करते हैं, जैसे हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं इसको, पॉजिटिव सप्लाई देने के बाद देखिए मेन आ गई है, कोई बजर की साउंड नहीं है, इंडिकेशन आ रहा है सही है बिल्कुल। अब इसको मेन देखे देखते हैं, जैसे हम मेन देखें हमारी इंडिकेशन ऑन हो गया है, और मेन सप्लाई भी ऑन हो गई है, चार्जिंग भी चल पड़ी है इंडिकेशन, और इसने एम्पियर भी उठा लिया, देख लो डिजिटल और एनालॉग दोनों भी आ रहा है। ये था सिंपल सा फॉल्ट, पर इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग लग जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। टेक केयर गाइज़।